मिल्कीपुर रेप कांड में अखिलेश यादव की खामोशी अब समाजवादी पार्टी पर भी भारी पड़ने लगी। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता अब अखिलेश यादव के इस चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ बोलने लगे हैं, पार्टी लाइन से अलग होकर अपना स्टैंड लेने लगे हैं। क्या एम और वाई के चक्कर में अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव हारने वाले हैं? क्या अवधेश प्रसाद को दलित वोट भी नहीं मिलेंगे? मिल्कीपुर में क्या बदल गया है? क्यों सपा के नेता ही अब मिल्कीपुर में बगावत पर उतारू हो गए? पूरी रिपोर्ट यहां देखिए। जी, तो पहले चुनाव के पहले जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हो सकता है वो चुनाव की जो रणनीतियां हों कि आपस में जो मतदान है दलित लोगों का या फिर अन्य पिछड़े वर्ग लोगों का, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का हुआ हो, उसके लिए वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। अभी एक मामला हुआ, इसमें उसको गोली लगी, जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया। न्याय संगत में यही कार्य होना चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो दलित वर्ग परिवार की वो बच्ची है जो पीड़िता है उसके साथ अच्छा मतलब न्याय मिलना चाहिए उसको, बस यही इतना है। घटना घटी है यहाँ मिल्कीपुर में, नाबालिग बालिका के साथ रेप हुआ है और उसके बाद में उसको गोली भी मारी गई, गोली पैसे सटक के निकल गई। लेकिन हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि जो रेप करता है उसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। यहाँ दलित वर्ग की बालिका के साथ में जो कोई प्रक्रिया हुई, लेकिन अभी तक अवधेश यादव ने उस पर कोई प्रक्रिया नहीं व्यक्त की है। हिसाब से योगी सरकार की जो प्रक्रिया चली है कार्रवाई हुई ठीक हुई है? बीजेपी में योगी सरकार का बुलडोजर वाला है, वही प्रक्रिया इनके साथ भी करना चाहिए, इनका तो भी तहस नहस करनी चाहिए। चूँकि मैं इसी मिल्कीपुर की मिट्टी में जन्मा हूँ और ये मेरा घर परिवार है, मैं इसी समाज से हूँ, एकदम जैसे एकदम ऐसे छोटा सा इनका घर है ऐसे मेरा भी घर है। तो मुझे लगा कि अभी अगर हम गाइडलाइन को देखेंगे तो अपनों से हम दूर रहेंगे। मुझे पार्टी का जो भी दंड यदि मिलता है यहाँ पे आने के लिए तो वो भी स्वीकार है, पार्टी के और लोगों को भी आना चाहिए, क्यों फजीहत करा रहे हैं। जिस जनता के वोट को अखिलेश यादव बदलाव करार देते थे, जिस अयोध्या का नाम लेकर संसद से बयान देते थे, आज वही लोग अखिलेश यादव को बुला रहे लेकिन वो नहीं जा रहे। जाति देखकर मंगेश यादव, नवाब सिंह यादव और पवन यादव की आवाज उठाने वाले अखिलेश यादव क्या मिल्कीपुर रेप केस में जाति नहीं देखना चाहते? अयोध्या में अखिलेश यादव पहले मोहित खान के साथ खड़े, अब मिल्कीपुर के शहबान पर चुप। क्या अखिलेश यादव के लिए पीडीएस से बड़ा MY है? मिल्कीपुर विधानसभा में दलित बेटी के साथ रेप हुआ, वहां सबसे पहले बीजेपी वाले पहुंचे, शाम होते होते BSP का डेलीगेशन भी पहुंच गया, एक दिन बाद सही, आखिरकार कांग्रेस को भी मिल्कीपुर जाना पड़ा। अखिलेश यादव की टाइमलाइन देखिए, 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, अखिलेश ने थोड़ी देर बाद ट्वीट कर दिया। 5 सितंबर को अखिलेश का एक और ट्वीट आया, मंगेश के एनकाउंटर को हत्या बताया, 6 को अखिलेश ने एनकाउंटर में जाति वाला एंगल फिट कर दिया। 3 अगस्त को अखिलेश ने DNA टेस्ट वाली डिमांड कर दी। अखिलेश यादव ने मंगेश के लिए बैक टू बैक कई ट्वीट किए, नवाब यादव और मोहित खान के समर्थन में DNA टेस्ट की मांग की, लेकिन मिल्कीपुर वाले अखिलेश यादव का इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। अखिलेश यादव ने दलित बेटी पर एक शब्द भी नहीं कहा। शायद अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हैं, दलित नेता हैं, दलित सेंटीमेंट को कंट्रोल कर लेंगे, जबकि मुसलमानों के खिलाफ बोलने से मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा है, यही वजह है कि उन्होंने सब अवधेश प्रसाद पर छोड़ रखा है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उपचुनाव में सपा पर भारी पड़ सकता है। इस बार 2022 जैसा माहौल नहीं, 2017 जैसा माहौल नहीं, इस बार दलित वोट बटेगा क्योंकि इस बार मायावती सबसे एक्टिव है। मायावती ने मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दलित बहुल इस सीट पर अवधेश प्रसाद को अगर सबसे ज्यादा कोई डैमेज कर सकता है तो वो रामगोपाल कोरी है। मिल्कीपुर में BJP के वोट फिक्स है, लेकिन जब BSP मजबूती से चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होता है, इसका एहसास 2017 में हो गया था। 2017 विधानसभा चुनाव में BSP ने रामगोपाल कोरी को उतारा था, कोरी को 40,000 वोट मिले थे तो अवधेश प्रसाद को 58,000 वोट, दलित वोट दोनों के बीच बटा और BJP के गोरखनाथ बाबा आसानी से चुनाव जीत गए।
2017 में गोरखनाथ बाबा को जो वोट मिला उससे ज्यादा वोट उन्हें 2022 चुनाव में मिले, लेकिन बीएसपी का वोट पूरी तरह समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिला। 2022 में मिल्कीपुर चुनाव में बीएसपी ने मीरा देवी को टिकट दिया था, उन्हें सिर्फ 14,427 वोट मिले थे और देश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले और 90,567 वोट हासिल करने के बाद भी गोरखनाथ बाबा चुनाव हार गए। 24 के उपचुनाव में एक बार फिर मिल्कीपुर में कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मिल्कीपुर में दलित वोटर्स के पास जीत की चाबी है, जबकि अखिलेश यादव सिर्फ पासी वोटों के भरोसे है। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिलना कंफर्म है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। मिल्कीपुर में दलित वोटर्स की सियासी ताकत देखे तो इस हॉट सीट पर पासी 60,000 और कोरी 50,000, दूसरी दलित जातियां भी 10,000 के करीब है, टोटल 1,20,000 वोट है। दलित वोट के लिए मुकाबला सिर्फ अखिलेश और मायावती के बीच नहीं होगा, बल्कि चंद्रशेखर आजाद भी वोट लेने आएंगे। उपचुनाव से पहले दलित बेटी के साथ रेप हुआ, रेप शहबान ने किया, एक्शन यूपी पुलिस ने किया और खामोश अखिलेश यादव है, इसने मिल्कीपुर की सियासत बदल दी। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव मोहित खान केस में पिछड़ों के साथ नहीं खड़े हुए, मिल्कीपुर रेप केस में दलितों के साथ खड़े नहीं हुए, दोनों केस में आरोपी मुस्लिम थे, अखिलेश की चुप्पी को इसी से जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव जिनकी आवाज बने उनके नाम है पवन यादव, नवाब सिंह यादव और मंगेश यादव। नाबालिग बेटी से रेप को लेकर दलित सेंटीमेंट समझना हो तो इस तस्वीर को देखिए। दलित समाज के लिए काम करने वाले पेपर मैगजीन के लिए खबर हेडलाइन, दलित समाज सीधे इस वारदात से खुद को कनेक्ट कर रहा है। इसी का असर है मिल्कीपुर के लोकल समाजवादी दलित नेता पार्टी लाइन से अलग हटकर खुद सामने आ रहे हैं, अवधेश प्रसाद के खिलाफ शंखनाद खुद करने लगे। पार्टी का जो भी दंड यदि मिलता है यहाँ पे आने के लिए तो वो भी स्वीकार है, पार्टी के और लोगों को भी आना चाहिए, क्यों फजीहत करा रहे हैं ऐसे मामलों में। माननीय मंत्री जी अवधेश प्रसाद जी जाते जरूर हैं लेकिन बड़ा देर करके जाते हैं, तो बड़ा फजीहत हो रही है। इसकी शर्मिंदगी जो हमारे कार्यकर्ता हैं जमीन पर जो काम करें उनको भी झेलना पड़ा, ऐसे मामले में उनको जाना चाहिए और जो सच हो उसके साथ उनको खड़े होना चाहिए, क्योंकि अपराधी की जो कोई जात नहीं होती, वो किसी भी जात का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो, अगर वो अपराध कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है उनको पूरी तरीके से लग करके डट करके उस पीड़ित परिवार के साथ में खड़े होना चाहिए। अखिलेश यादव की जुबान से अचानक पीडीए गायब है, यादव वाला नारा ज्यादा जोर से लगा रहे हैं और अब योगी सनातन पर आ गए हैं, जाति के ऊपर धर्म वाली बात लगातार दोहरा रहे हैं। आज भी आप गांवों में देखते होंगे गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए या ना खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। बंदर भले ही आपकी फसल को, आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बाग, उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते। जहां से अखिलेश यादव ने बदलाव की शुरुआत की वहीं आ गए। अखिलेश ने अयोध्या को चुनाव का एपी सेंटर बनाया था, योगी ने उसी एपी सेंटर की चुनावी ग्रेविटी को कम कर दी। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक अयोध्या नहीं गए, शायद वो चुनाव के लिए मिल्कीपुर भी नहीं जाएंगे और ये सब कुछ मिल्कीपुर वाले याद रखेंगे। नाबालिग बेटी के साथ 15 अगस्त को शहबान ने रेप किया, इसके लगातार बाद वो पीड़ित को जबरदस्ती बुलाने लगा। जब पीड़ित ने जाने से मना किया तो शहबान अपने साथियों के साथ पीड़ित के घर आ धमका। 2 सितंबर को उसने पूरे घर को बम से उड़ाने की धमकी दी, नाबालिग को जबरन उठा ले जाने की बात की। छेड़खाने की है, हाथ पकड़ने के लिए बोलते हैं। कौन थे वो लोग, क्या नाम था? मुसलमान है। कहा
कल उनको पुलिस ने मुठभेड़ में पैर में गोली मारी है, तो क्या चाहती हैं, कार्रवाई क्या है इसमें? मिल्कीपुर में उसी बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है जिसको अखिलेश गोरखपुर भेजना चाहते हैं। यूपी में इतना हर किसी को पता है, चाहे वो किसी भी जात धर्म से हो, योगी है तो इंसाफ जरूर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार चमत्कारी कार्यक्रम दिखाया, मैं चमित नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने चमत्कारी कार्य किया है, जिसकी खूब सब जगह है, सोचते हुए भी डर लगता था कि आप उस डर को, जिस डर से हम डरते थे, उसको डरा दिया, तो ये स्वाभाविक था कि आप ऐसा कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव में दलित वोट इंडिया अलायंस को मिले, समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटें लड़ी तो ज्यादा फायदा भी उसे मिला। परसेप्शन बना कि यूपी के दलित अखिलेश की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन ये परसेप्शन 100 दिन के भीतर ही खत्म होता दिख रहा है। अखिलेश जिस तरह खुलकर एक बार फिर से MOI वाली सियासत कर रहे हैं, उससे न सिर्फ दलित बल्कि गैर यादव OBC भी उनसे दूर जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 2027 और उससे पहले उपचुनाव का रास्ता समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है।